ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। नाइटी का ड्राफ्टिंग का जो मेजरमेंट है वो इस प्रकार है, फुल लेंथ 54 इंच, एक्रोस बैक 14 इंच, चेस्ट 36 इंच, स्लीव लेंथ 10 इंच और बोटम 10 इंच। सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग, जो नीचे से हम टर्न करेंगे वो 54 इंच हमारी लेंथ है। एक इंच हम इसमें सीम अलाउंस रखेंगे और एक इंच ही हम टर्निंग का लेंगे। टोटल हो गया 56 इंच। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। ये हमने लेंथ का निशान लिया। लेंथ का निशान लेने के बाद हम जितना भी हमें घेर चाहिए वो घेर लेते हैं। विड्थ ऑफ क्लॉथ का हाफ लेते हैं या कम ज्यादा हम अपने हिसाब से करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे कि हम आगे कितना ले। यहाँ पे हमारा तीरा है एक्रोस बैक का हाफ। एक्रोस बैक हमारी 14 इंच है तो 7 इंच उसका हाफ हुआ। यहाँ पे आप 7 इंच पे ये हमने तीरे का निशान लगाया। तीरे का निशान लगाने के बाद इसी में ही हम स्लीव की जो लंबाई है उसका भी निशान लगाएंगे। स्लीव लेंथ हमारी 10 इंच है। ये जो हमारी यहां से यहां तक हमने निशान लगाया तीरे का, इससे आगे जाएंगे हम 10 इंच स्लीव लेंथ के लिए। यहां से यहां तक हम आगे आए, तीरा हमारा 7 इंच, तीरा लेने के बाद स्लीव लेंथ हमारी 10 इंच है, 10 इंच हम आगे गए। उसके बाद यहां पे आपने एक मार्क लगाना है गले की चौड़ाई के लिए। जो गले की चौड़ाई है हमारी वो है चेस्ट डिवाइड बाई 12 माइनस आधा इंच इजिकल टू 2.5 यानी ढाई इंच। यहां से ढाई इंच आगे आएंगे गले की चौड़ाई का हम निशान लगाएंगे। ढाई इंच आगे गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद गले की लंबाई का लगाएंगे। गले की जो लंबाई है चेस्ट डिवाइड बाय 6, ये हमारा 6 इंच है। यहां पे हमने 6 इंच पे निशान लगाया। 6 इंच पे निशान लगा के आप गले की कोई भी शेप दे दीजिए, जो भी आप शेप देना चाहते हैं वो गले की शेप देंगे इस प्रकार। ये गले की शेप देने के बाद हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो हम इसमें डिजाइन के लिए यूज करते हैं, या फिर ये कहिए जो कि उसके अकॉर्डिंग हम घेरे, ये जो घेरे की चुन्नटे है वो उसी में हमारी आ जाती है। तो यहाँ पे हम डेढ़ इंच आगे आएंगे। डेढ़ इंच आगे आके इस लाइन से जो नेक लाइन है इससे मिला देंगे। सेम शेप करेंगे हम इसकी। ये डेढ़ इंच जो हम आए हैं, ये वाली डेढ़ इंच हम मेथड के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। चेस्ट डिवाइड बाय 24, जितनी भी आपकी चेस्ट होती है उसको 24 से डिवाइड कीजिए, जो भी आपका आएगा वो यहाँ पे आप पट्टी मेंशन कर सकते हैं। हमारी यहाँ डेढ़ इंच है, हमने यहाँ पे डेढ़ इंच कर दिया। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा तीरा था। जैसे कि नॉर्मल गार्मेंट बनाने के लिए हम आर्म होल लेते हैं, इसमें हमें आर्म होल नहीं लेना, हमें इसमें अटैच करनी है सीधा स्लीव। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी स्लीव लेंथ है यहां से
यहां तक ये हमारी स्लीव लेंथ है। ये जो तीरा है इससे हम एक अंदाजा लेंगे आर्म होल का। आर्म होल के लिए हम यहाँ जो लेंगे सात से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें मार्क नहीं करना है, लेकिन शो आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे। ये हमने आर्म होल ले लिया, आर्म होल जिस हिसाब से लेते हैं क्रॉस बैक का हाफ प्लस आधा इंच, साढ़े सात इंच हमारा आर्म होल मिला हमें, ये मिला। ये मिलने के बाद जो चेस्ट लाइन होती है हमारी, चेस्ट लाइन है हमारी चेस्ट 36 चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 11 इंच। यहां से हम 11 इंच यहां से आगे आएंगे, यहां पे हम 11 इंच आगे आए, आगे आके हमने यहां पे भी मेंशन किया जहां भी हमारा 11 इंच आता है उस 11 इंच का यहां पे हम मार्क लगा देते हैं। मार्क लगाने के बाद इस रेखा को जो ये नेक का सेंटर है इससे आप मिला देंगे, इस प्रकार स्लीव की जो बॉटम है उसका हाफ लेंगे। बॉटम है हमारे पास 10, हम लेंगे 5 इंच। 5 इंच ये लेने के बाद इस लाइन को इस लाइन के साथ आप मिला देंगे। ये मिलाने के बाद जितना हमें घेर चाहिए उतना ही हम यहाँ नीचे पे घेर ले लेते हैं, या तो हम विड्थ ऑफ क्लॉथ लेते हैं या हमें जितना भी चाहिए होता है हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम ये घेर ले रहे हैं, विड्थ ऑफ क्लॉथ का हाफ जितना भी हमारे कपड़े का अर्ज है उसका हाफ, और इसको इससे मिला देंगे। ये हमारी फोल्ड साइड है, ये हमारी ओपन साइड है। लेंथ हमने ली फुल लेंथ 56 इंच, ये हमारी फोल्ड साइड है। ये यहां पे ओपन साइड है, ये यहां पे बॉटम का हाफ लिया, बॉटम का हाफ 5.5 इंच। ये यहां से यहां तक हमने तीरे का निशान लगाया था, तीरे का हाफ 7 इंच। यहां से यहां तक स्लीव लेंथ है 10 इंच, और ये हमारी जो पट्टी हमने ये ली थी यहां पे हमने 1.5 यानी 1.5 इंच। ये यहां से यहां तक जो गले की चौड़ाई ली चेस्ट डिवाइड बाय 12 माइनस हाफ, ये आया 2.5 यानी 2.5 इंच। लंबाई हमने ली चेस्ट डिवाइड बाय 6 इंच हमने गले की लंबाई ली, 2.5 इंच चौड़ाई ली। ये यहां पे यहां तक तीरा और ये स्लीव की लेंथ, और इसको इससे मिला दिया। यहाँ पे जो हमारी फिटिंग हम देना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा विड्थ ऑफ क्लॉथ है, यहाँ पे जो हमारी फिटिंग आएगी जितना हमारा चेस्ट है उतने ही हम एक्स्ट्रा कपड़े की जो है यहाँ पे गैदरिंग आ जाएगी यहाँ पे। और अगर हम गैदरिंग नहीं लेना चाहते, नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो जो हम विड्थ लेंगे विड्थ हम उतनी ही लेंगे जितनी हमारी निकल के आएगी, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। ये हमारी रेगुलर स्लीव नाइटी की ड्राफ्टिंग बनके तैयार हुई।